दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान के कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पुजारी जो कि आरती के लिए बैठा हुआ होता है, और तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां पर बैठा हुआ पुजारी आरती शुरू करने लगा। और ये रहा उस वीडियो की छोटी सी क्लिप। आरती करने के टाइम पर भगवान के पास रखा हुआ फूल पुजारी के ऊपर गिर जाता है, और ये सब देखने के बाद वहाँ पर बैठा हुआ पुजारी हैरान हो जाता है और फिर वो भगवान की आरती करने लगता है। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि ये कोइंसिडेंट है, और कई लोगों का ये भी मानना है कि ये एक भगवान का चमत्कार है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों कहा जाता है कि ये वीडियो उड़ीसा में रिकॉर्ड किया गया था, और ये वीडियो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छत के ऊपर रिकॉर्ड किया गया था। और छत के ऊपर आप देख सकते हैं कि सरस्वती माता जी का मूर्ति रखा हुआ है, और उन मूर्ति के आसपास तीन मोर एक के पीछे घूमकर परिक्रमा कर रहे थे। और आप भी देखिए ये वीडियो। और कई लोगों का ये भी कहना है कि ये मोर घूम घूमकर सरस्वती माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक मोर का नेचर है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप सरस्वती माता जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो महाराष्ट्र के सिद्धि विनायक मंदिर में रिकॉर्ड किया गया था, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भगवान की पूजा करने के बाद कई लोग मंदिर के बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आते ही वहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ होता है जो कि बाहर जाने वाले लोगों को हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। और ये रहा उस वीडियो का एक छोटी सी क्लिप। दोस्तों कई लोगों को ये लगता है कि ये एक संयोग है, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये एक डॉग की गई ट्रेनिंग है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों ये वीडियो 3 साल पहले साईं बाबा जी के मंदिर के बाहर रिकॉर्ड किया गया था, और ये वीडियो शाम के 6 बजे का है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शाम के 6 बजे जब आरती चल रहा होता है तब वहाँ पर 5-6 कुत्ते आ जाते हैं, और वो आरती खत्म होने तक वहाँ पर खड़े होते हैं। और ये रहा उस वीडियो का एक छोटी सी क्लिप। आरती के वक्त अगर कोई भी जानवर आरती के बीच में आ जाता है तो उसे भगवान का रूप मानते हैं, और पंडितों का कहना है कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी भगवान को मानते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप साईं बाबा जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम साईं राम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।